पैसे ले रहे क्या? नहीं सर। क्या भाई आपको 3000 लगेंगे, आपको डाटा मिलेगा, ऐसा वगैरह कुछ बोले? बहुत से मोबाइल भी आप बना के दिए स्टूडेंट का, जो कि नहीं बन पा रहा था, जो अपने स्टेट से सब मतलब शॉप से लेके आए थे, आप उसको यहाँ लाइव मतलब स्टूडेंट से बनवा के भी दिए। चलो एक बार इनके लिए संजय को मैं जब भी देखा ऑलवेज मुस्कुराते रहते, खुश रहते। इनको देख के अपने को भी सीखना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए, है ना? आप कहाँ से? मैं ओडिशा से हूँ सर। ओडिशा से इतनी दूर से आ गए भाई, इतना हैदराबाद यहाँ से। सर आपका एक स्टूडेंट था जो कि अपने गांव में जाने के बाद में वो पूरा धमाल मचा दे, जो भी उससे एक्सपर्ट थे उनको वो पीछे छोड़ दिया। तो उसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जाओ और फिरोज सर के पास वहीं इंस्टीट्यूट में कॉन्फिक्स में सीखो, तो इसलिए मैं आया सर। देखो भाई ये लाइव बोल रहे हैं, मैं तो नहीं सिखा के बैठा दिया आपको। क्या नाम है? मैं तो नहीं सिखाया ना आपको। दीपक सर, दीपक। दीपक नाम है। अच्छा ओडिया आती है आपको? हाँ आती है सर। थोड़ा ओडिया में बोलो भाई, नहीं तो बोलेंगे हैदराबाद की है। मुटा कह चाहूँ जी जे आमर जो मोबाइल जो अक्षर हो छोटा अक्षर माने सिक्स जो लेटर होता है, अगर उसको पूरा प्रॉपर नॉलेज लेना है तो आप यहाँ फोन फिक्स आइए। अगर अगर और कोई भी अगर आप इंस्टीट्यूट जाते हैं, मगर कोई माने को जो इंस्टीट्यूट जीवे हेले कोड़ी एम सिखाएब, कोड़ी ओ सिखाएब, कोड़ी बी, कोड़ी एल, माने प्रॉपर आप नॉलेज पाइबे नहीं। अगर आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज लेना है तो आपको यहाँ फोन फिक्स में आना ही होगा, क्योंकि यहाँ का थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल से लेके सॉफ्टवेयर तक ये तीनों जो है पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि बहुत एडवांस है। लेकिन पहले जो मैं सोचता था, मैं 11 साल से ये लाइन में हूँ, सब मेरा 11 साल हो गया, तो मैं सोचता था मैं बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन जब यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मोबाइल का एम जो पहला अक्षर होता है वो मुझे ही नहीं मालूम है। दिल से बोल रहे जो बोल रहे आप, क्योंकि सच्चाई बोल रहे आप। कितने साल से कर रहे थे आप काम? 11 साल हो गया। 11 साल हो गया, तो जो सोच के आए थे मिला आपको? बहुत मिला सर। क्या क्या कर लिए काम अभी तक टोटल? सर मैंने हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर से लेकर मोबाइल में 3 मोबाइल लाया था, 3 मोबाइल बन गया सर। वाह, पहले नहीं बन पा रहे थे क्योंकि नॉलेज प्रॉपर नहीं था सर। बिल्कुल पूरा भूल भुलैया था सर मेरे लिए, मतलब अंदाजे से काम करते थे आप। अभी जाके आप और एक धमाल बचाना है वहाँ पे। जी सर, जी सर। कहाँ से आप, थोड़ा एड्रेस बता दो आपका। ओडिशा का देवगढ़ जिला। देवगढ़ जिला जी। तो आपका दुकान का नाम क्या है? संजय कम्युनिकेशन। थोड़ा नंबर भी बता दो, फोन नंबर आपका। 9777947125। देखो भाई नंबर भी दे दिए स्टूडेंट का ऐसा। और ये तो सर और एक बात बोलना चाहूँगा कि इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट है, मैं आप चैलेंज कर सकता हूँ कि फोन फिक्स का जो स्टूडेंट होगा सबको चैलेंज कर सकता है। वाह क्या बात है भाई, एक बार 2000 क्लास भाई इनके लिए। वाह, जो बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं। दिल से बोल रहे सर। अच्छा लगा भाई सुन के आपका कॉन्फिडेंट देख के, क्योंकि आप इतना कॉन्फिडेंट से बोल रहे हैं क्योंकि आपको कुछ मिला और दूसरा बंदा आपको भेजा, उसका काम देख के आप आए और आप जो बोला वो बिल्कुल सही था कि गलत? सही सही सर, सही सर, बिल्कुल सही था। कोई यहाँ फेक वीडियो तो नहीं बनाते? नहीं नहीं सर, जो है पूरा ओरिजिनल है, जो है ओरिजिनल। और ज़्यादातर आप देखे होंगे स्टूडेंट यहाँ पे सब काम करते हैं यहाँ पे। जी सर। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको आईसी वगैरह निकालने डालने डर लग रहा होगा ऐसा? नहीं सर, क्योंकि सर यहाँ का जो हैंड स्किल है सर बहुत स्ट्रॉन्ग, प्रॉपर मतलब एक एक स्टूडेंट के लिए पूरा लाइब्रेरी ये अपना सेटअप बना हुआ है, जो कि कोई भी होता है तो एक वेट करता है तो दूसरा काम करता है इंस्टीट्यूट में, देखा है। लेकिन यहाँ जो हर स्टूडेंट का अलग अलग मतलब सेटअप बिठा हुआ है। सारे ब्रांडेड टूल्स है? ब्रांडेड टूल है सर, कोई ऑर्डिनरी टूल्स तो नहीं है? नहीं सर, और सब ही फ्री है। हाँ। आपको ऐसा कुछ नहीं है मतलब जितने भी पीपड़ी हो गया कि मतलब सोल्डर हो गया जो भी कुछ भी है यही स्टूडेंट से मिलता है। तो देते ऐसा नहीं कि इतना दे दी इसी में काम कर लो? नहीं सर। कितना देर चल रहा था प्रैक्टिकल आपका? प्रैक्टिकल सर देखिए हमारे सुबह से तो हम लोग 10:30 बजे से स्टार्ट होता था थ्योरी क्लास, जो कि 1:30-2 बजे तक चलता था, उसके बाद आधा घंटा 1 घंटे के बाद 3 बजे से, रात का कोई लिमिट नहीं है, 9 मतलब मैक्सिमम तो 9 बजे तक क्लास हम लोग का हार्डवेयर चलता है, 9 बजे तक अपना चल रहा है। जी सर। इतना हैंड स्किल का काम नहीं सीखा कि आपको पूरा 6-7-8 बजे तक मैं थ्योरी पढ़ाऊँ कैसा रहे? नहीं होगा सर, कुछ नहीं। मैंने यहाँ जो भी सुबह के क्लास में थ्योरी हुआ वो प्रैक्टिकल शाम को पूरा वही चीज़ करा के देते हैं सागर सर। और मेनली से तो मैं मेरे को तो इंटरेस्ट ज़्यादा हार्डवेयर में था ही, फिर भी मेरे को सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा नॉलेज मतलब चाहिए था, जो कि तौफीक सर ने इस तरह से मैंने बताया जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट में इस तरह से नहीं बताते सर, आज तक जितने मैंने वीडियो देखे हैं पूरा डीपली सर। और एरर तो सर हर एक मैंने मीडिया टेक में अगर कोई भी एरर तो उसका एक एरर नहीं बताएं, 10-10 एरर बताएं, जो कि कोई भी एक भी मोबाइल रिटर्न नहीं जा सकता सर। UEFI बॉक्स और इजी अटैक दोनों बताएं सर। सर सबसे पहले आपको बेसिक सिखाए होंगे ड्राइवर कैसे डालना है, टूल कैसे डालना है, पैचिंग। और सर अपना सपोर्ट के लिए लाइफ टाइम तो सपोर्ट ही है, उसके साथ वेबसाइट भी दी है हमको 2 महीने के लिए। और एक बात बड़े सर, जो डाटा है उनने जो मेहनत करके सर रखे हैं वो सबको सर शेयर किए हैं सब सर। सॉफ्टवेयर छुपाने की कोशिश तो नहीं? नहीं सर, मैं जो हाथ से बनाया जो फोटोज बनाए वो भी दिया आप लोगों को। जी सर, ग्रुप में सारी चीज़ दी। बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे प्रॉपर सीखे नहीं, आधा अधूरा नॉलेज दे देते हैं और आधे अधूरे में जो बच्चा रहता है वो बहुत परेशान रहता है। जी सर। कोई भी काम आप लाइफ में ले लो, आधी अधूरी नॉलेज रही है आपके पास, प्रॉपर नॉलेज नहीं, नहीं, नहीं सर, तो सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता और वो रिजल्ट भी नहीं आता।
जब आप सिखा रहे हो तो फिर अच्छे से सिखाना है जी सर, और स्टूडेंट भी उतनी मेहनत करना है जी सर। आप बताओ, अगर आप खुद से मेहनत नहीं करते, सिर्फ टीचर ही मेहनत कर रहे हो, तो आप सीख पाएंगे क्या? नहीं सर, कोई भी नहीं। रात में हॉस्टल में भी आपको बोलते हैं डायग्राम बनाओ, ड्रॉ करो जी सर, सबको डांटते भी, बनाने के लिए भी बोलते हैं। हाँ सर, क्यों, रीजन क्या है बताओ? क्योंकि देखिए, आगे अगर आगे बढ़ना है तो सर मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ये नहीं कि हाँ सर मेहनत कर दिया और हम जाके कुछ नहीं किए तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। डायरेक्ट सोल्यूशन तो नहीं चाहिए अपने को? नहीं सर, मोबाइल आया, पैक फोन डाल दिए, फोटो डेड मोबाइल, क्या करना बताओ? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते नहीं सर, अपने पास स्टेप्स है, तरीके है, खोलना है, चेक करना है, बेसिक चेकिंग करनी है अपने को जी सर, सारी चीज़ देखना है। डायग्राम वगैरह कैसा पढ़ा है आपको? सर पूरा डीपली, मैंने ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब सर्किट हो तो उसका मतलब रजिस्टर से लेके कपड़े से हर मतलब हर एक कंपोनेंट के बारे में सर आपने नॉलेज दिया, जो कि आगे चल के हम लोग बहुत सर हेल्प करेगा सर। कोई भी आईसी की डाटा शीट बनाना हो सारा देख लेंगे, इनपुट सप्लाई क्या चाहिए, आउटपुट क्या निकल रहा है जी सर, बना सकते हैं जी सर। ठीक है, ब्लैक पेस्टर वगैरह डबल लेकर? हाँ सर, एक बनाया मैंने सर, खुद ब्लैक पेस्टर व्हाइट पेस्टर डुअल लेकर भी एक बनाया सर। खुद के हाथ से बनाया? हाँ सर, खुद बनाया। कैसा लगा ट्रिक सिखाने का सर? बहुत ही इजी ट्रिक है सर, जो कि मतलब यूट्यूब में देखने से भी आपको ये ट्रिक तो मिलेगा नहीं। फिर मिलना हो तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ आना पड़ेगा सर, फोन फिक्स। एक बार दोस्तों क्लास में इनके लिए, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि ये ओप्पो का A53S है, ये लॉक गिरा हुआ है, इसको हम यूं तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओप्पो का एक UFS वाला फोन है, ओप्पो A53S मॉडल है। ठीक है, तो ये फोन आप लेके आए क्या यहाँ का है? हम लेके आए। आप लेके आए? अच्छा, क्या प्रॉब्लम से लेके आए थे अभी? सर ये लॉक गिरा हुआ है। अच्छा, ये लॉक गिरा हुआ है। तो इसका मॉडल जो A53S है, इसके अंदर देखो CPH वगैरह नाम से आता है, तो इसमें आप इमरजेंसी कॉल में जाके एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि क्या एक्चुअली मॉडल है इसका। तो कोड इसका *8999# डालेंगे, एक इंजीनियरिंग मोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन बोल के आएगा। यहाँ ऑन करने के बाद फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं CPH 2139, ये हमारा क्या है, इसका एक मॉडल नंबर है। तो ये मॉडल नंबर हमें टूल के अंदर देखना है, तो इसके अंदर हम USB से करने वाले, क्योंकि इसका पहले क्या था, एक 3-4 महीने पहले जब इसका लोडर नहीं बना था तो ये CPU ड्रिल करके क्या करना पड़ रहा था, अनलॉकिंग करना था। लेकिन आप इसको CPU वगैरह ड्रिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका लोडर क्या हो गया है, यहाँ पे क्रैक हो चुका है और टूल में आ गया है मॉडल नंबर। तो सिंपली हम जैसे बाकी के फोन कैसे अनलॉक करते हैं, सिंपली वैसे इसमें अनलॉकिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइव स्टूडेंट से करवाएंगे, इनका ही फोन साथ में लेके और ये खुद करेंगे। तो ये ले लो फोन और बताइए स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कर रहे हैं आप, और बताइए भी बोलो साथ में। ठीक है, पहले हमको अल्टीमेट मल्टीटूल से जाना है। ओके, यहाँ पे ये क्वालकॉम का QC फायर टूल है। तो टूल खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, वेट करेंगे। तो यहाँ जैसे कि टूल ओपन हो गया, उसके बाद रियलमी का भी X50 है, वीवो के भी मॉडल इसमें ऐड करें, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है, लेटेस्ट मॉडल आता है UFS का या EMMC का, इसके अंदर वो ऐड हो जाता है, आपको यहाँ मिल जाएगा सारी चीजें अनलॉकिंग करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट Xiaomi या रीड एंड टूल्स में आगे अनलॉकिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे फेल हो जाता है। तो इसके लिए स्पेशल एक टैब बना हुआ है, Qualcomm हेरिस्टिक मोड बोल के बना हुआ है, इसमें सारे अपडेट आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल इसमें मिल जाएंगे अनलॉकिंग करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारा CPH 2139 आपको यहाँ दिख रहा है, ओप्पो A53S है ना, तो ये हमारा मॉडल है। तो चलो उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई लोडर फाइल वगैरह देना है क्या? नहीं सर, जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेट टाइप में जाएंगे। हाँ, फॉर्मेट टाइप में आ गए, चलो ठीक है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसी पे रख लेंगे। रिसेट FRP भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम यहाँ से बाईपास कर लेंगे उसको। ठीक है, चलो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे एग्जीक्यूट, और फोन को पहले ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताइए फोन कनेक्ट करने हो क्या कर रहे हैं, प्रेस करेंगे और केबल को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं वहां पे पोर्ट बना दिया Qualcomm का। ठीक है,
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्या कुछ एरर आता है या डायरेक्ट डन हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जीक्यूट लोडर हो गया, ओके, इनिशियलाइजिंग स्टोरेज ओके हो गया, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोटेक्टेड यहाँ पे इसमें लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिख के आ गया आपका राइट इज अलाउड यूजिंग फैक्ट्री फॉर्मेट मेथड डन। ये क्या हो गया है, डन हो चुका है। अब यहाँ पे देखो फोन हमारा लोगो पे आ गया है, और देखो ठीक है फर्स्ट लोगो पे आ गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, फॉर्मेटिंग हो रहा है ना भाई। जब इसको हम रिकवरी में डाल के हैंड से फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे पैटर्न वगैरह या पासवर्ड वगैरह बताता है कि आप इसको डालना पड़ेगा, वहां पे होता है क्या फॉर्मेट, नहीं होता। तो अब यहाँ पे ये वाइपिंग हो रहा है, तो वेट करते हैं वाइपिंग होने के बाद नेक्स्ट हमारा फोन रिबूट होगा, फिर हमारा फोन चालू हो जाएगा, उसके बाद वेलकम स्क्रीन पे आ जाएगा, है ना। तो ये बताइए आप कहाँ से? हम ओडिशा से। ओडिशा से, अच्छा क्या नाम है आपका? संजय खान। संजय खान, आप पहले क्या क्या काम करते थे आपके, फिर अभी तक जो आप करें क्या क्या? सर मैं से सीसी और फोल्डर चेंज करता, सीसी और फोल्डर। कभी फ्लैशिंग वगैरह नहीं करे? नहीं, कभी नहीं करे। तो ये अनलॉकिंग वगैरह फ्लैशिंग करना जो अभी आपको आ रहा है, तो ये यहाँ आने के बाद हुआ कैसे पहले? नहीं सर, यहाँ आने के बाद। यहाँ आने के बाद, अच्छा जो बताने का तरीका था अभी तक जो आप लोग सीखे तो कैसा लगा? कुछ ऐसा सर के ऊपर से जाने वाला कुछ हार्ड लगा क्या? एकदम इजी वे में समझ में आया सर, पूरा इजी वे में समझ में आया, एकदम इजी। इजी सर। अच्छा यहाँ आने से पहले कैसा लगता था, इजी होगा या हार्ड, ऐसा दिमाग में चलता? दिमाग सर बहुत कुछ था कि बहुत हार्ड होगा, समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, सीख पाएंगे नहीं पाएंगे, का टाइम है। हाँ। लेकिन आपने सर जिस हिसाब से समझाया तो जैसे कि अभी मेरा क्लास चल रहा है, लास्ट का हमारा ही क्लास है मेरा, इससे पहले जो सागर सर और पेरो सर का क्लास चला, तो हर एक सर के बारे में आपसे पूछूंगा। पेरो सर का जो पढ़ाने का तरीका था, मॉर्निंग में आपको 3 बजे दोपहर 3 घंटे पढ़ाते थे थ्योरी, तो कैसा था डायग्राम के बारे में बताने का तरीका सर? मतलब उनका जो तरीका था पूरा हट के, हम लोग तो यूट्यूब में देखते थे बहुत सारे सर का, लेकिन पेरो सर का जो है सबसे बेस्ट है। मतलब ऐसे मेन में कुछ बातें ऐसा बताते या छुपा के रखते थे सर? नहीं सर, उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, ऐसा है कि मतलब सर है स्टूडेंट है वो पूरा हम लोग से मिल के करते थे, मतलब बीच बीच में हम लोग को एंटरटेनमेंट करते थे। हाँ। कि हमको बहुत मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है। अच्छा अच्छा, तो उनका बताने का भी तरीका एकदम सिंपली था, डायग्राम बनाते थे, बनाने के बाद आपको ये होमवर्क भी दिया करते थे कि रात में बैठ के आप लोग जाके होमवर्क वगैरह करेंगे, डायग्राम बना के ग्रुप में डालेंगे, है ना। उसके बाद दोपहर से जो हमारे सागर सर का क्लास होता था हार्डवेयर में, तो उनका हैंड स्किल वगैरह के बारे में कैसे आप क्या क्या बोलेंगे? क्योंकि हम लोग का तो पूरा लैब तो इतना अच्छा है यहाँ का कि कोई भी स्टूडेंट इतना अच्छा लैब नहीं होगा, जो कि सबके लिए पर्सनल है, और सबको लगभग तो मेरे को लगता है कि हर एक मतलब स्टूडेंट का हैंड स्किल अभी अच्छा हो गया होगा। तो आप पहले यहाँ आने से पहले कभी ICVC का भी निकाले? कभी काम नहीं किया, पहचान भी नहीं था, कभी काम नहीं किया। तो सागर सर का जो हैंड स्किल और रिबॉलिंग का तरीका जो वन शॉट में है, जो डबल लिकर बनाने का या ब्लैक पेशेंट वगैरह व्हाइट पेशेंट, तो आप ये सब कर लिए क्या, बना लिए? क्या इजी लगा या हार्ड लगा सर? इजी है सर। आप डबल टिकर वगैरह बना लिए? हाँ बना लिए। मतलब दोनों पेस्ट व्हाइट पेस्ट ब्लैक पेस्ट वगैरह सब काम कर लिए? तो अब यहाँ से जाने के बाद क्या है, प्रैक्टिस करनी है अभी, इतना ही हमारा इतना ही काम नहीं है, और भी बहुत काम रहते हैं ठीक है। इतने 20 दिन में ही प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ से 3 महीना 4 महीना और कंटिन्यू वर्क करना है, हम अभी एक लर्निंग फेज में ही है ठीक है। फ्रेशर्स क्या रहते भाई? हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं फोन सेकंड लोगो आ गया, मतलब हमारा फोन क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है ठीक है। तो सागर सर का भी क्लास हो गया, उसके बाद मेरा जो क्लास चलता है सॉफ्टवेयर और यूएमसी का, तो कैसा लगा आपको ये क्लास? सर सबसे तो अच्छा है, बोलेंगे आपका क्लास ही हम लोग को सबसे अच्छा, मेरे को स्पेशली, मेरे को बाकी का तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा लगा। तो तारक मेरा जो बताने का तरीका था आपको इतना ईजी लगा? जी सर। साथ ही साथ हम लोग आपको बैकअप सपोर्ट जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी देते हैं क्लास का, उसके बाद थ्योरी लिखाते भी है, और साथ ही साथ लाइफ टाइम सपोर्ट भी मेरा आपको हमेशा रहेगा। साथ ही साथ फ्लैश फाइल भी आपको क्या फ्री में दी है या पैसे लिए? नहीं फ्री में। जो टेस्टेड फाइल है, यूएमसी चेंज फाइल है, या PCN फाइल, IEM फाइल, जितने भी टाइप के फाइल है, डाटा है, आपको क्या हम पैसे ले रहे हैं क्या? नहीं सर, क्या भाई आपको 3,000 लगेंगे, आपको डाटा मिलेगा, ऐसा वगैरह कुछ बोले? बहुत सा मोबाइल भी आप बना के दिए स्टूडेंट का, जो कि नहीं बन पा रहा था, जो अपने स्टेट से सब मतलब शॉप से लेके आए थे, आप उसको यहाँ लाइव मतलब स्टूडेंट से बनवा के भी दिए। चलो एक बार जैसे कि यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आ चुकी है, हम यहाँ पे इमरजेंसी में जाके क्या करेंगे, कोड डालेंगे FRP का, कौन सा कोड है? डालिए जरा। तो इसे क्या हो जाएगा, आपका स्क्रीन डायरेक्ट होम स्क्रीन पे आ जाएगा, मेन स्क्रीन पे।
घनश्याम कुमार के लिए जोरदार क्लैप्स। कहाँ से है घनश्याम आप? गोरखपुर यूपी। यूपी से है आप भी सर? आप बताओ कब से काम कर रहे थे आप? 11-12 साल से। 11-12 साल से कर साल से क्या क्या काम कर लेते थे आप? बस नॉर्मल चीज, नॉर्मल बेसिक काम, फोल्डर पिन वगैरह यही सब। कैसा रहा 20 दिन का सफ़र? बहुत अच्छा रहा सर। अच्छा रहा। दुकान वगैरह है आपका? हाँ दुकान है। अभी जाके काम कर सकते? जी सर कर सकते। कोई आना चाहे यूपी से क्या बोलना चाहेंगे? बेझिझक यहाँ पे आए और मैं भी पूछ के ही आया हूँ यहाँ पे। अच्छा किससे पूछे थे आप? फैजान। अच्छा दूसरे स्टूडेंट से पूछे थे? हाँ वो यहाँ सीख गया था, मैं उससे बात किया तो बताया वहाँ पे चले जाओ, तो यहाँ पे आया। वाह, तो ये तो बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भाई कि दूसरे बच्चे सीख के जाके। मैं दो तीन लोगों से भी पूछा था तो लोग यहीं का नाम ले रहे थे तो मैंने आ गया। अच्छा तो सोच के आए थे, मिला आपको? मिला सर। वाह, एक बार इनके लिए जोरदार क्लास भाई, और मेहनत करो भाई। थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई दर्शन के लिए जोरदार क्लैप्स। दर्शन जी कहाँ से आप? कर्नाटक से हूँ, बेलगाम से सर। बेलगाम से। कितने साल से काम कर रहे थे? 8-10 साल से। 8-10 साल से। कैसा रहा 20 दिन का सफ़र? बहुत अच्छा सर। आप इतना दूर इतने एज में इतने टाइम के बाद में 8-10 साल के बाद में अपडेट होने के लिए आए, क्या रीज़न रहा अपडेट होने का? सर ऐसे तो बहुत सारा काम कर लेता था लेकिन आधे के ऊपर आईसी लेवल तक आया तो मेरे को हैंडसेट वापस देना पड़ता था, वो नहीं कर पा रहा था। अच्छा तो इधर आके अभी पूरा अभी ब्लैक पेशेंट व्हाइट पेशेंट सब खोल लेते हैं, डबल डेकर वगैरह आराम से एकदम इजीली क्लीनिंग कर लेते हैं एकदम। कैसा सीखा है यहाँ पे 20 दिन आपको? बहुत अच्छा सर। कोई कमी तो नहीं करे छुपा दिए ऐसा? नहीं 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 सर। बच्चा पूछ रहा नहीं बता रहे ऐसा तो? नहीं 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 सर कुछ नहीं। जितना अपने को जरूरत है उतना से ज़्यादा बताने की कोशिश करें आपको सर। और ऐसा है कि सारी चीज़ें दिमाग में जाती भी नहीं, बार बार देखने से ही आपको जाता। तो कुछ सेट्स लाए थे बनाने के लिए? हाँ लाया था सर। कितने बना लिए? ऐसे तो 2-3 ही बनाया हूँ, ज़्यादा नहीं बनाया हूँ, लेकिन उधर तो जो काम करता था मेरे ख्याल से मैं रिपेयरिंग का कम खराब करने का ज़्यादा काम करता था। अभी ऐसा लग बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगा मेरे को बोल रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि नॉलेज नहीं है तो फिर क्या करते हैं, अंदाजे पे फ़ोन पे हीट मार दिए ऐसी हिला दिए यही करते हैं। अब जब आपके पास पहली बार कस्टमर लेके आएगा फ्रेश मोबाइल, उसको आप ख़राब नहीं करेंगे? नहीं सर, क्योंकि पहले ख़राब नहीं करना सीखना है। क्या करना सीखने के लिए? पहले ये सीखना होता है कि क्या नहीं करना, डूस एंड डोंट्स बोलते हैं इसको, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पहले आप क्या करना नहीं मालूम था आपको, तो क्या नहीं करना है वो तो किसी को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही कर देते हैं। तो अब जाके आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो मोबाइल आपका 100% बनेगा। कॉन्फिडेंट कैसा है अभी आपका? बहुत सर, बहुत हाई है। बहुत हाई है। कोई आना चाहे क्या बोलना चाहेंगे? बिंदास आ सकता है सर। बिंदास आ सकते। कैसा रहा बाकी 20 दिन का सफ़र? बहुत अच्छा सर। रहने खाने का कोई दिक्कत तो नहीं है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कंग्रेचुलेशन। एक बार क्लब भाई मितेश मितेश कर्नाटक से। आप भी? हाँ कर्नाटक से। आप भी पहले आए थे यहाँ पे, दो मोबाइल लाए थे, बना के दिए, क्लास देख के गए थे? यस सर, डेमो देख के गया था। डेमो ही बोल लो, हमारा डेली डेमो चलते ही रहता है। वो नहीं सर, पहले आने के टाइम विजिटिंग डेमो देख के गए। विजिटिंग के लिए आए थे आप, क्या कहना चाहेंगे कोई आना चाह रहे? जो भी आना चाहते हैं फोन फिक्स हैदराबाद में खुले आम आराम से आ सकते हैं बेशक। कर्नाटक में भी बता दो थोड़ा सा। कर्नाटक में कोई भी आने वाला अपना भाई है जो भी बहुत साल से काम कर रहा है वो भी आना वाला है। दुकान कुछ की चिंता मत करो, यहाँ पे आके नॉलेज लो, फिर बाद में आप कुछ भी कर सकते हो। क्या क्या काम सीख लिए अभी आप? अभी पहले से थोड़ा बहुत जानता था, अभी पूरा से थोड़ा बहुत और जानने का बहुत ज़रूरी है। अभी भी मेरी पढ़ने की बहुत ज़रूरी है, अभी भी स्किल मैं बना सकता हूँ, अभी भी बना सकते हो आप, पुराने हो चाहे नए हो या पुराने हो। डायग्राम वगैरह रीड करना आ गया? हाँ अभी डायग्राम वगैरह सब कुछ आपको नॉलेज मिल जाएगी, यहाँ पे आओ आपको सब तरह के सपोर्ट आपको मिल जाएगी। फॉल्ट फाइंडिंग हो, डेड मोबाइल हो, इजी वो बना सब लेंगे, इजी बना लेंगे सर। क्या बात है। दो सोच के आए थे, मिला आपको? सोच के आए थे उससे भी ज़्यादा मिला, और सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला सर। कैसा रहा क्लास? क्लास तो बहुत अच्छा था। जो मोबाइल थे लाइव बना के बताए कि खाली थ्योरी पढ़ा दिए? बना के बताए, और मेरा 10 प्रो 5G मोबाइल
सर ने वो बोला पॉइंट फॉल्ट फाइंडिंग किया, सब किया, बाद में मैंने बोला मेरा हिम्मत नहीं है, फिर मेरे हाथ से ही बनाया और एक सर ने भी बना के दिया। अच्छा ये बताओ, आपसे नहीं बना के सिर्फ आपको ऐसा दिखा देते हैं तो देखना से ज़्यादा सीखने मिलता है कि खुद करने से ज़्यादा मिलता है? खुद करने से मिलता है, इसलिए तो हम डेमो ट्रेनिंग के लिए पहले फर्स्ट डेमो विजिटिंग के लिए आए थे। सब बोलते हैं यूट्यूब में वो है, हम खुद पहचान के परख के बाद में इधर आए, तो जो देखे थे वही मिला सर। क्या बात, सेटिस्फाई है अभी? सेटिस्फाई है। इनके लिए एक बार 2000 क्लास भाई, थैंक यू वेरी मच।